हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय फूड रेसिपीज। आज मैं आप लोगों के साथ पोहा की रेसिपी शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको मिल जाए अपलोड होते ही। पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप थोड़ा मोटा वाला पोहा, 1 से 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, थोड़ा लहसुन चॉप्ड, ये ऑप्शनल है, थोड़ा ऑनियन चॉप्ड, थोड़ा चॉप्ड धनिया पत्ता, थोड़ा पीनट, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा शुगर, थोड़ा कारी पत्ता, 2 हरी मिर्च चॉप्ड, 1/2 लेमन। पहले पोहा को एक बार वॉश करके तुरंत पानी से निकाल लूंगी। अब इसको साइड में रख दूंगी। अब गरम पैन में पीनट्स को ड्राई रोस्ट कर लूंगी। ड्राई रोस्ट हो गया, अब इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के अच्छे से फ्राई कर लूंगी। अब इसको एक प्लेट में निकल के साइड में रख दूंगी। सेम पैन में और 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाल के गरम कर लूंगी। अब इसमें 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड डाल के लो फ्लेम में कुछ सेकंड के लिए स्टार कर लूंगी। अब 1/2 टीस्पून जीरा डाल के लो फ्लेम में 15 से 20 सेकेंड स्टार कर लूँगी। अब कारी पत्ता डाल के लो फ्लेम में 15 से 20 सेकेंड स्टार कर लूँगी। अब इसमें चॉप्ड किया हुआ ग्रीन चिली डाल के कुछ सेकेंड के लिए स्टार कर लूँगी। अब इसमें लहसुन चॉप्ड डाल के मीडियम टू लो फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लूंगी। लहसुन बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हो। अब ऑनियन चॉप्ड डाल के मीडियम टू लो फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लूंगी। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा शुगर डाल के लो फ्लेम में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब फ्राई किया हुआ पीनट्स डाल के मिक्स कर लूँगी। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसमें पोहा डाल के मीडियम टू लो फ्लेम में थोड़ा केयरफुली मिक्स कर लूंगी। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें नींबू का रस डाल के मिक्स कर लूंगी। नाउ धनिया पत्ता चॉप्ड डाल के मिक्स कर लूंगी। अब पोहा सर्व करने के लिए रेडी हो गया। अब गैस का फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको एक सर्विंग प्लेट या बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी। ये रेडी हो गया हमारा पोहा, अब इसको गर्मा गर्म सर्व करना है।
फ्रेंड्स, अगर मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी वीडियो आपको मिल जाए अपलोड होते ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।